गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। आई विल टीच टुडे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर पर बेस्ट कैलकुलेशन आप लोग हम आज बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। उस पर ध्यान देने की बात है कि वांट हाफ फैक्टर पर जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, इसी के बारे में हम आज आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये वांट हाफ फैक्टर। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक ना, कि क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर आपका 2.32, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस पर ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए क्या पॉइंट करने के लिए कह रहा है, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 10 ग्राम ऑफ 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड डिजॉल्व किया जा रहा है, दिया है सॉल्यूट का वेट दिया है W2J दिया है 10 ग्राम, क्या है ये, तो 3-क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। फॉर्मूला देख लीजिए, CH3 CH2 CH2, ये आपका CH3 CH2 CH CL COOH 1, 2, 3 3-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, यही है 10 ग्राम डिजॉल्व किया गया है। अब तो इसका वेट हो गया W2, अब इसका निकाल दीजिए M2, सबको जोड़ेंगे तो इसका M2 हो जाएगा 122.5, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, क्लियर है। अब इज एडेड टू 25 ग्राम ऑफ वाटर, तो W1 दिया हुआ है कितना, 250 ग्राम, तो M1 कितना हो जाएगा भाई, तो वाटर का 18 होता है, ये H2O का वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, सॉल्वेंट वाटर है इसका दिया हुआ है वेट, और ये दिया है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, और भी दिया हुआ है। कह रहा है कि Ka कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना है, तो 1.4 × 10⁻³ दिया हुआ है, तो फाइंड करना है के एफ इक्वल इतना होता है, तो 1.86 × ये हो जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें दी हुई है, हमें फाइंड करना है पहले मोलेलिटी। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, एट द तो के फाइंड करना है, तो के एफ फाइंड करेंगे, क्यों फाइंड करेंगे भाई के एफ, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला लगा है आपका डेल्टा टी एफ इक्वल, ये डेल्टा टी एफ फाइंड करना है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल होता है I × KF × M, ध्यान देना है। वांट हाफ फैक्टर आई भी फाइंड करना है, केएफ दिया हुआ है, और हमें मोलेलिटी ये फाइंड कर लेंगे, आई फाइंड कर लेंगे और मोलेलिटी फाइंड कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे
Kf दिया हुआ है और कैलकुलेट कर देंगे तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मोलरिटी इक्वल क्या होता है, मोलरिटी इक्वल क्या होता है, W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो पुट कीजिए, W2 कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, 1000 क्लियर है। उसके बाद Y में आपका M2 फाइंड किए हम लोग, निकाले हैं 122.5 इंटू W1 दिया है 250 ग्राम, ये वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो मोलरिटी है वो आ जाएगी 0.3264। ये हो गया आपका ये मोलरिटी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए, मोलरिटी फाइंड कर लिए। फर्स्ट स्टेप में हम फाइंड किए मोलरिटी, ठीक है। डेल्टा टी एफ फाइंड करना है, के एफ दिया हुआ है, मोलरिटी मैंने फाइंड कर लिया, ये मोलरिटी फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है आई, क्या फाइंड करना है, वन हाफ फैक्टर आई, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम भाई आई फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसका कैसे डिसोसिएट हो रहा है इसका इक्वेशन बना लेंगे, CH3 CH2 CHCl COOH, ये ब्रेक होगा आपका CH3 CH2 CHCl COO+H+ में, ये इसका डिकम्पोज होने का रिएक्शन है। जब इसको डिजॉल्व करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, तो इसी फॉर्म में डिकम्पोज होता है। तो सपोज कर लेंगे कि इनिशियल कंडीशन में इनिशियली इसका कंसंट्रेशन सी है, तो इन लोगों का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा भाई, जीरो जीरो, ठीक। अब आफ्टर इक्विलिब्रियम पर ये इसके सी इंटू अल्फा और सी इंटू अल्फा ये फॉर्म होते हैं, तो इसका कितना जो है कि आपका वो हो जाएगा खर्च होगा सी इंटू वन माइनस अल्फा, इतना ये इक्विलिब्रियम पर होगा, इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना। इनिशियली सी है तो ब्रेक नहीं हुआ तो जीरो जीरो है, जब इक्विलिब्रियम पर ये सी इंटू अल्फा फॉर्म किया, सी इंटू अल्फा कॉन्फर्म किया, तो इसका सी में से कितना रेस्ट बच जाएगा, सी ब्रैकेट में वन माइनस अल्फा बच जाएगा, ठीक है ना। अब हम फाइंड कर लेंगे क्या चीज़, के ए, तो के ए इक्वल फॉर्मूला होता है आपका प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट सी इंटू ब्रैकेट में वन माइनस अल्फा, क्लियर है। इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, के ए इक्वल अल्फा स्क्वायर इंटू सी बाई वन माइनस अल्फा, ये बच जाएगा, ठीक है। चूँकि ये बहुत लिटिल अमाउंट है ऐसे, अतः इसको हम जो है कि निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा के ए इक्वल, ये अल्फा बहुत लिटिल अमाउंट है निगलेक्ट कर देंगे, तो के ए इक्वल अल्फा स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। तो अल्फा इक्वल अंडर रूट के बाई सी, अब आ जाइए के ए की वैल्यू
पुट कर दीजिए। आपको पुट कर रहे हैं के ए की वैल्यू, ठीक है ना। तो पुट करते हैं, यहाँ से उठाइए, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इतना है अल्फा इक्वल के की वैल्यू दी हुई है 1.4 × 10⁻³। अब बटे में सी, तो सी क्या है भाई, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन वही जो कि हम लोग जो मोलेलिटी निकाल फाइंड किए हैं, ठीक है ना। तो मोलेलिटी कितना फाइंड किए थे हम लोग, आपका मोलेलिटी फाइंड किए थे हम लोग 0.3264। तो अल्फा इक्वल आपको इसको सॉल्व कर देंगे तो अल्फा इक्वल आपका आ जाएगा 0.065। ये आ गया अल्फा। मोलिटी फाइंड ही कर लिए थे, ये फाइंड कर लिए अल्फा, ठीक है ना। अब अल्फा क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें वांट हाफ फैक्टर आई फाइंड करना है, ठीक है ना। तो वांट हाफ फैक्टर आई फाइंड करने के लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को फाइंड किए, ठीक है ना। अब आते हैं आई फाइंड करेंगे, तो ये इनिशियल कंडीशन में कितना दिया हुआ है इसकी वैल्यू, पहले तो अल्फा की वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं CH3CH CHCl, ये इनिशियल कंडीशन में यदि इसकी वैल्यू 1 है, इतना 1, तो ये क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। इक्विलिब्रियम पर यदि ये फॉर्म करता है अल्फा, ये अल्फा फॉर्म करता है, तो इसे कितना बच जाएगा रेस्ट, इसका बच जाएगा 1 - अल्फा। क्लियर। अब वांट हाफ फैक्टर आई इक्वल होता है आपका 1 + α/1। अब हम पुट करेंगे, आई फाइंड करना है भाई, तो आपका क्या फाइंड करने हैं, आई फाइंड करने हैं, ठीक ना। तो आई इक्वल 1 + α की वैल्यू कितना निकाले थे, तो हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकाले थे आपका 0.065, ऐड कर देंगे तो आएगा 1.065, ये आ जाएगी आपकी आई की वैल्यू, ठीक है। देखिए हम लोग क्या क्या फाइंड कर लिए, आई की वैल्यू फाइंड कर लिए, केएफ दिया है, मोलिटी फाइंड कर लिए हैं। तो अब हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है वैल्यू को, ठीक है ना। इसमें इसी फॉर्मूले में पुट करना है, तो चलिए पुट किया जाए। आइए पुट कीजिए आई, आई की वैल्यू कितना है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल आई की वैल्यू दिया है 1.065 × के एफ कितना दिया था आपका 1.86 × मोलेलिटी कितना फाइंड किए थे हम लोग 0.3264 ये फाइंड किए थे। अब कैलकुलेट कर देंगे, ठीक ना। तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल मिल जाएगा 0.65 °C, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो गौर कीजिएगा एक बार फिर से, हमें
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, वन हाफ फैक्टर पर बेस्ट क्वेश्चन है, आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी। तो भाई सब वैल्यू दिया हुआ था, फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड किए, मोलेलिटी फाइंड किए, क्लियर। अब मोलेलिटी फाइंड करके एक जगह पर अपना वो कर लीजिए, उसके बाद के एफ तो दिया ही हुआ था, हमने फाइंड किया क्या चीज़, वन हाफ फैक्टर आई फाइंड करना था। उसके लिए जो कांस्टेंट है उससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और उस अल्फा को हम यूज करके यहाँ पर आई वन हाफ फैक्टर क्या किए, आई फाइंड कर लिए। जैसे आई इक्वल वन प्लस अल्फा बाई वन, प्लस इंटू कर दीजिए तो आई इक्वल वन और प्लस अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड किया था, यहाँ पुट कर दिए तो हो गया आई। अब ये मोलेलिटी फाइंड किए थे फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में अल्फा, और थर्ड स्टेप में हमने आई फाइंड किया, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। ठीक ना, तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्टेंड हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको कीजिए, थ्री स्टेप में है। ठीक, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। ठीक ना, इसलिए इसको कंसेप्चुअली है, स्टेप वाइज है, तो थरूली इसको आराम से जो है कि करना है। तब तक के लिए थैंक्स।